外面叫个听见发什么发的叫个飞白来今天是geography. Geography Greek भाषा के सबसे ये किस भाषा के सबसे बड़ा है Greek भाषा है ठीक है geo geography geo का मतलब क्या है भूमि पृथ्वी के ठीक है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब क्या है अध्ययन ठीक है यानी कि ज्योग्राफी दो वर्ड्स ज्यो प्लस में ग्राफी ज्यो का मतलब क्या है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब क्या है अध्ययन यानी कि हम इसमें क्या करेंगे पृथ्वी का अध्ययन ठीक है अब ज्योग्राफी यानी कि भूगोल अब ये कहे कि प्राचीन भूगोल की जन्मदाता पहले या प्राचीन भूगोल के जनक कौन है वो इरेटस इरेटस गणित इरेटो सतनीज अगर प्राचीन भूगोल के जन्मदाता या प्राचीन भूगोल के जनक कौन है इरेटोस्थनीज अब आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर नहीं अलेक्जेंडर कनिंगम कंफ्यूज मत होना प्राचीन पूछे प्राचीन भूगोल के जन्मदाता इरेटोस्थनीज और आधुनिक भूगोल के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंगम ग्रीक भाषा के सबसे ये बना है दो वर्ष से जियो प्लस में ग्राफी और इसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे ठीक है अच्छा लिखियो कुछ ब्रह्मांड के बारे में बातें कि हम नहीं ब्रह्मांड के बारे में ठीक है एक ब्रह्मांड क्या है आकाशगंगा है आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है अंडाकार सर्पिलाकार ठीक है अंडाकार या सर्पिलाकार सर्पिलाकार भी अंडाकार नहीं तो सर्पिलाकार भी दे देते हैं ठीक है यानी कि दूध में एक ग्लास या मंदाग्नि हमारी आकाशगंगा एक केंद्र की कोने में स्थित है जिसे हम क्या कहते हैं दूध में एक ग्लास या मंदाग्नि कहते हैं ठीक है तारा तारों के समूह तारामंडल क्या होता है तारामंडल तारामंडल तारों के समूह को हम क्या कहते हैं तारा ठीक है ये छोटी छोटी बातें हैं एक ब्रह्मांड में चलने तो कौन है वो क्या है सूर्य सूर्य से संबंधित किसी यहां ज्यादा कुछ चीजें नहीं सूर्य सूर्य क्या है सूर्य भी तारा ठीक है सूर्य एक तारा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत हीलियम है नाभिक सलिन भी कहते हैं हीलियम नाभिक सलिन हीलियम नाभिक सलिन
आकाश गंगा में हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता रहता है। ठीक है, तो सबसे मेन बात है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिक सरणी हीलियम। अब सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, पहुंचने में 8.16 सेकंड का समय लगता है, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है 8। सूर्य का जो व्यास है, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य सूर्य का जो कितना गुना बड़ा है, 13,00,000 गुना बड़ा सॉरी और पृथ्वी से सूर्य पृथ्वी से 13,00,000 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से 13,00,000 गुना बड़ा है। अब सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम परसेंट कम पूछते हैं, इनका अनुपात कितना है, हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात, अनुपात पूछे तो 3:1 है। सूर्य में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य की केंद्र सूर्य के बाहर बारिश का तापमान कितना है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान वो कितना है, 6,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और केंद्र का ताप 1.5×10^7 है। सूर्य के केंद्र का ताप 1.5×10^7 है। सूर्य की जो सूर्य की यानी सूर्य है, सूर्य पृथ्वी की तेजस है, पृथ्वी की है, चलो
सूर्य पृथ्वी की त्रिज्या से पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6371 यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना बड़ा है 109 गुना बड़ा है एक इंपॉर्टेंट बात है सूर्य की उम्र सूर्य की उम्र है जो आयु है वो 5 अरब बिलियन है 5 अरब बिलियन 5 बिलियन भविष्य में जितना आप जिंदा है इतनी साल और जिएगा फिर टूट के बिखर जाएंगे लाल डब्बों में बताते लिख लिया सब हाँ कॉपी रख के दिया कंपटीशन है बहुत आगे पढ़ने से काम होगा हम जो बच्चा पढ़ेगा उसी का काम है और ये चीटिंग चैटिंग हो जाती है जैसे कि भाई पेपर लीक हो गया वो कितना करेंगे 87 क्वेश्चन कर ये गैसों के बने हैं
इंपॉर्टेंट बात है ये समझने की बात है ये कैसे करें ये ठोस चट्टान के बने ये ठोस है चट्टानों के बने ये ठोस चट्टान के बने एक लाइन और बैठी थी सूर्य में सूर्य के जो उत्तरी उत्तरी ध्रुव पर है ना ओरोरा बोरियालिस और दक्षिण ध्रुव पर ओरोरा ऑस्ट्रियालिस ये दो स्थित है ठीक है यानी कि ये क्या है ओरोरा बोरियालिस और ओरोरा ऑस्ट्रियालिस ये क्या सूर्य ज्वाला है सूर्य में सूर्य ज्वाला उत्पन्न होती रहती है ना उसको हम कहते हैं सूर्य ज्वाला तो ये कैसे ग्रह है ठोस चट्टान के बने हुए हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बृहस्पति शनि यूरेनस ये बाह्य ग्रह है तो कैसे के बने हुए ठीक है अब हम पढ़ेंगे आप पार्थिव ग्रह आग्नेय ग्रह के बारे में एक एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट बात ये है सबसे पहले चक्कर लगाता है कौन क्यों क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है हेलो जल्दी बोलो इधर दे रहा हूँ हाँ ठीक है बाद में करूँगा देखो बुध बुध ये सबसे नजदीक है कम समय में सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा ठीक है बुध ग्रह सबसे कम समय सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा और चक्कर भी कितने दिन 88 दिन 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेगा ठीक है 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेगा अच्छा सबसे नजदीक ग्रह है इसका कोई उपग्रह नहीं है इसका कोई उपग्रह नहीं इसका कोई उपग्रह नहीं यहां दिन तो क्या होते हैं गर्म होते हैं और रातें क्या होती ठंडी होती दिन गर्म होते हैं रात ठंडी होती है -273 डिग्री सेल्सियस चला जाता है इतनी ठंड होती है यानी हम लोग जहाँ दिन होगा ना यानी कि जहाँ धूप पड़े सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा वहां रात होती है ठंडी होती ठीक है और हम आगे बताएंगे कि उसमें वो भी अच्छी बात है तो सबसे कम समय में एक चक्कर लगाएगा 88 दिन यानी कि एक चक्कर पूरा कर लेगा और इसका कोई रोग ग्रह नहीं है या दिन रात दिन गर्म होता है रातें ठंडी होती है ठीक है और इसका कोई रोग ग्रह नहीं है बुध ग्रह के बारे में इतनी जानकारी सबसे छोटा उपग्रह सबसे बड़ा अब आते हैं शुक्र शुक्र सूर्य की दूरी के अनुसार अगर ये पूछ ले सूर्य की दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन सा है वो है शुक्र ठीक है शुक्र है
सूर्य की दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन सा आया? शुक्र। कैसा ग्रह है ये? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है। सबसे चमकीला ग्रह किसने ये पूछा जाता है? इस सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। अब यहां से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, भोर का तारा और सांझ का तारा। शुक्र ग्रह है, हाँ, शुक्र को भोर का तारा तथा और सांझ का तारा शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह शुक्र पृथ्वी की बहन। शुक्र ग्रह पृथ्वी की बहन। क्यों है? क्योंकि इनका आकार और द्रव्यमान यानी कि शुक्र पृथ्वी के बराबर है, ठीक है? क्योंकि इनका आकार पृथ्वी के समान है। बात यह आती है कि शुक्र को शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। इंपॉर्टेंट बात, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के समान अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है? या दिन कैसा होगा? दिन आओगे कौन सी दिशा में होगा? पूर्व में और शांत पश्चिम में। पृथ्वी के समान बताया शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह जो पृथ्वी के पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है? शुक्र ग्रह पर दिन यानी पृथ्वी के समान होते हैं, ये तुम बात, ठीक है? मैंने बताया। और क्या बात है इसमें बताते तुम? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी की बहन है, इसका आकार पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी जब घूमती है ना अपने अक्ष पर, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो ये शुक्र ग्रह कैसे घूमेगा? ठीक है, ऐसे शुक्र और अरुण और बाकी जो ग्रह हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ होंगे। ये बात नोट करते हैं, शुक्र ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, लिख लो। शुक्र ग्रह पश्चिम से पूर्व, बाकी जो सभी ग्रह हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ। अब आती है पृथ्वी, तो पृथ्वी का बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बन जाता है। और शुक्र ग्रह में जैसे कि भोर का तारा सांझ का तारा इनमें से यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर ये अरुण और जो वरुण शुक्र और अरुण है ये जो घूमते हैं पश्चिम से पूर्व, यहां से क्वेश्चन। तो पृथ्वी के बारे में
ये पृथ्वी है ठीक है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है 23 डिग्री अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है 23 सीधी नहीं है 23 डिग्री झुकी हुई है देखो पृथ्वी के बारे में दो चार बातें उसके बारे में हम बताते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी पृथ्वी अपने अक्ष पर 30 डिग्री झुकी है अपने अक्ष पर 30 डिग्री झुकी है लेकिन क्वेश्चन यह आते हैं कि कक्षा के सापेक्ष अपने पृथ्वी अपने कक्षा के सापेक्ष कितने डिग्री झुकी है 650 डिग्री 650 से ये कब होगी झुकी पृथ्वी का जो व्यास है पृथ्वी का व्यास कितना है 12,750 ठीक है और है तथा इसका दुगने व्यास है 12,700 किलोमीटर पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,756 तथा दुगने व्यास है वो 12,714 कहने का मतलब है मैं आपको समझा भी देता हूँ ये क्या है व्यास ये व्यास है इसमें तो व्यास बोलते हैं इसको है क्या बोलते हैं वो पूरा बोल रहा था तो ये जो लाइन जा रही है ये काल्पनिक रेखा है पृथ्वी कोई लाइन हो है हमने उसको मान रखा है काल्पनिक रेखा है तो इसका जो व्यास है वो 12,756 पॉइंट है मेरे भाई इसका और ये ध्रुवे पृथ्वी पर दो ध्रुवे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ठीक है कोई ध्रुव और ये गोलार्ध है पूर्वी गोलार्ध पश्चिम गोलार्ध से तो ये 12,756 तो क्या है इसका विश्वित व्यास है ठीक है पृथ्वी का जो व्यास और ध्रुवे व्यास कितना है 12,714 अब पृथ्वी जो बड़ी लाइन कौन सी है ये अगर ध्रुवे है तो ये मत कर देना बड़ी लाइन ये दिखाई दे रही है ना आपको तो कंफ्यूज कर लेना पृथ्वी की जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6,300 पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6,373 मैंने आपको बताया था एक सूर्य का व्यास यानी कितना गुना है वो 109 गुना है ना पृथ्वी से तो 6,373 को जब 109 से गुणा कर दोगे ना तो उसको व्यास पता चल जाएगा अच्छा जी अब ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपको त्रिज्या पता चल गया पृथ्वी की त्रिज्या कितने 6,373 को व्यास अपना आप आ जाएगा तो उससे गुणा कर देंगे ठीक है ना पृथ्वी अपने अक्ष पर अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है इसको क्या कहते हैं घूर्णन गति घूर्णन गति
गति के बारे में हम पढ़ाएंगे ठीक है तो गति कितनी प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है एक घूर्णन होती है और एक परिक्रमण होती है अभी थोड़ी देर में हम पढ़ाएंगे उसके बारे में भी लेकिन पढ़िए अपने 123 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में चक्कर पूरा कर लेते हैं ठीक है जी पृथ्वी की जो स्पीड है घूमने की 1610 किलोमीटर प्रति सेकंड है पृथ्वी की जो घूमने की जो स्पीड है गति है वो कितनी है 1610 किलोमीटर प्रति सेकंड 1610 किलोमीटर सेकंड सुना जाए कि पृथ्वी की घूमने की जो गति है कितनी है 1610 किलोमीटर प्रति सेकंड अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी है यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में चक्कर पूरा कर लेते हैं अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है लेकिन कक्षा के सापेक्ष पूछे तो 6.5 डिग्री झुकी है ठीक है पृथ्वी का व्यास है 12756 है और दूरी का है 12714 है समझ में आ रहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको परफेक्ट कर देंगे ऐसे मत लिया बस तो आप कॉपी लिख क्या कुछ लिख क्या कोई बात नहीं धीरे धीरे अभी हमने बात करी कि पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती है ठीक है पृथ्वी की और देखिए तो चले गया तो मतलब थोड़ा तो बात कर लेते हैं पृथ्वी की गति एक तो होती है घूर्णन और एक है घूर्णन क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है हमें ये जानना बहुत जरूरी है घूर्णन क्या होता है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं और ये घूर्णन का सब समय वो क्या है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड को घूर्णन गति कहते हैं दैनिक गति भी कहते हैं पूछ ले कि दैनिक गति कौन सी है घूर्णन इसको दैनिक गति भी कहते हैं
अब आते हैं परिक्रमण। अब परिक्रमण में ये है कि अपने अस्त्र घूमेंगे, वो कहाँ घूमेंगे? वो सूर्य की परिक्रमा करेंगे। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण या परिभ्रमण कहते हैं, ठीक है? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है जब सूर्य परिक्रमा करेगी पृथ्वी की तो कितने दिन में? 365 दिन। 365 पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। तीन सौ पैंसठ दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में एक समय लगता है, ठीक है? लीप वर्ष कब होता है? 4 साल में। अब ये 366 दिन हो जाए तब एक लीप वर्ष होगा। सूत्र के अनुसार हम इसको नहीं जोड़ते, यानी 365 दिन, ठीक है? फिर 4 साल में 366 दिन हो जाएगा, उस दिन हो जाएगा एक लीप वर्ष हो जाएगा। 365 दिन 6 घंटे 365 दिन 6 घंटे होते, ठीक है? शॉर्टकट में एनसीईआरटी की बुक में 365 दिन 6 घंटे दे रखा है, तो 4 साल में 6 × 24, ठीक है? वो एक दिन बोल रहे हैं, वो बस किसी बच्चे का जन्मदिन जैसे कि भाई 29 तारीख को है, 29 फरवरी को, वो तो 4 साल बाद ही बताएगा, 4 साल बाद मनाएगा, क्योंकि आज गल गल छोड़ दिया भाई, कोई बच्चे आज ये दिन दे जन्मदिन की पार्टी दे 4 साल बाद, ठीक है? तो घूर्णन और परिक्रमण दो प्रकार की गति होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है, उसको दैनिक गति भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वार्षिक गति। वार्षिक, ठीक है? ये दिन में कर रहे हैं ना, सालों में कर रहे हैं, तो वार्षिक गति होगी। एक मंगल ग्रह के बारे में बोलते हैं, मंगल, मंगल ग्रह इसका रंग कैसा है? लाल। मंगल ग्रह क्यों? लोक साइड के कारण, ठीक है? आयरन ऑक्साइड, लोक ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा है? लाल। बात ये थी। दूसरी बात क्या है कि सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? लाल ग्रह ना मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह सूर्य की
परिक्रमा करने में 687 दिन लगे 687 दिन ये कब पूछे जाते हैं वैसे ये पूछ लेते हैं कि तुम कौन सा करेगा ठीक है और क्यों है कौन सा तो लोग शायद इनका भी सारा ही लाल है ये भी थोड़ी सी हम पूछे जाते हैं मंगल ग्रह से भी कितना समय कितने दिन लगाते हैं 687 दिन लगते हैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात कि मंगल के कितने ग्रह हैं भाई एक बात कह लीजिए पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है वो है चंद्रमा ठीक है बुध शुक्र का कोई तो ग्रह नहीं है उसमें मैंने दिखाया हाँ मंगल के दो ग्रह हैं यही तो बात मैं बता रहा हूँ मंगल के दो ग्रह हैं वो कौन से हैं फोबोस और डीमोस फोबोस और डीमोस फोबोस और डीमोस इसमें फोबोस और डीमोस है क्या ना इसमें भी दो बातें हैं कौन सा फोबोस छोटा है बड़ा छोटा डीमोस डीमोस बड़ा है डीमोस बड़ा है ठीक है फोबोस और डीमोस यहाँ पर है निक्स ओलंपिया ज्वालामुखी और ओलिपस मेसी यानी कि एक पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा ये इंपॉर्टेंट बात है मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी निक्स ओलंपिया क्या नाम है उस ज्वालामुखी का निक्स ओलंपिया तथा उस पर्वत का नाम निक्स ओलंपिया तथा ओलिपस मेसी एक पर्वत है ओलिपस मेसी पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा ठीक है मंगल ग्रह में ये दो बात चक्कर हो गया लाल ग्रह है सूर्य की दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह है कौन सा हो गया सूर्य की दूरी के अनुसार बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल सूर्य की दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन सा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ है क्वेश्चन सूर्य की दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन सा है पृथ्वी ठीक है और आकार में कौन सा है पांचवा हाँ सूर्य की दूरी छोटी छोटी बातें हैं वो देखेंगे